दोस्तों यह एक एनिरॉइड बैरोमीटर, इसका मतलब इसमें कोई लिक्विड यूज नहीं होगा। ज्यादातर जो बैरोमीटर होता है उसमें पानी या फिर मर्क्यूरी यूज होता है। मर्क्यूरी तो जहरीला होता है और वाटर बैरोमीटर में बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए तो वो हम बना नहीं सकते। अब कमाल की बात यह है, इस जार के अंदर जो हवा है उसको हम लोग बेलून की मदद से इसको लॉक कर दिया। मतलब अब जब भी बाहर की प्रेशर पड़ेगा तो ये बेलून जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और बाहर की प्रेशर घटने पर बेलून थोड़ा ऊपर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एलडीआर की मदद से एक सर्किट बनाया है जहाँ एलडीआर के ऊपर लेजर लाइट पड़ते ही ये सर्किट ऑफ हो जाएगा। मतलब ये जो बाजर और एलईडी है ये ऑफ हो जाएगा। लेजर लाइट हटते ही ये लाइट और बाजर ऑन हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि एयर प्रेशर चेंज हो चुका है। दोस्तों क्योंकि हम इस गुब्बारे के ऊपर इस लेजर लाइट को लगा रहे हैं तो ये गुब्बारा जब अंदर की तरफ दब जाएगा या फिर बाहर की तरफ आ जाएगा तो लेजर लाइट का स्थान परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट बनाने की शुरुआत में ये बैलून पूरा सीधा था लेकिन अब अंदर की तरफ थोड़ा दब चुका है।